अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। जो न्यू है कांडली वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं कांडली वो मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कर लो, और इसके अलावा जो न्यू हो वो बेल आइकन भी लाजमी ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक हो गया, मैं लाइव सेशंस भी करती हूँ, मतलब यहीं यूट्यूब पे प्रोडक्ट का डिटेल में वहाँ रिव्यू वगैरह देती हूँ। यहाँ भी वीडियो में जितना हो सकता है मैं उतना कवर अप करने की कोशिश करती हूँ। वीडियो आपको पता है सिर्फ 4-5 मिनट की ही, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी वीडियो होती है ना कम से कम 10 to 11 मिनट की होती है, तो इतना लाइव सेशन में मैं कवर अप करती हूँ। ठीक हो गया, तो इसके लिए मेरे लाइव को लाजमी ज्वाइन किया करो, 1-2 दिन बाद तो मैं लाजमी लाइव आती हूँ। ठीक हो गया, आज आपको कोई प्रोडक्ट नहीं नज़र आ रही होंगी, मैं एक एक करके प्रोडक्ट सारी सामने लेके आऊँगी। आज जिन प्रोडक्ट का मैं रिव्यू देने वाली हूँ वो हैं जो आप मिनी, आपको थंबनेल से तो पता चल गया होगा, मिनी भी नहीं बोल सकते, मतलब जो यूज़ की आपको प्रोडक्ट होती हैं, ब्राइडल किट बोल सकते हो या नॉर्मल डेली यूज़ के लिए जो आपको प्रोडक्ट चाहिए होती हैं वो भी आपको मैं बता दूँगी। और प्रॉपर जो मेकअप किट होती है उसमें क्या क्या ज़रूरत होता है वो मैं सारी चीज़ें आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले जो प्रोडक्ट ज़रूरत होती है मॉइस्चराइज़र, सबसे हर वीडियो में मैं कहती हूँ मॉइस्चराइज़ लाजमी करके मेकअप किया करो, आपका मेकअप बहुत अच्छा स्टे रहता है। ठीक हो गया, मॉइस्चराइज़ करोगे तो बहुत अच्छा उसमें ना फाउंडेशन को बहुत लॉन्ग लास्टिंग और करता है, लॉन्ग स्टे करता है। इसके अलावा इसके बाद ज़रूरत होती है प्राइमर, बेसिक में प्राइमर आपको बेसिक प्रोडक्ट्स बताऊंगी, बहुत कम सी प्रोडक्ट आपको लगेंगी और रीजनेबल प्राइजेस में होंगी। अब जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल यूज़ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। रेवोल्यूशन की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, टार्ट की है इसमें, अब मैं नेक्स्ट आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। प्राइमर फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्राइमर आपको सबसे पहले ज़रूरत होता है। उसके बाद आपको ज़रूरत होती है फाउंडेशन की, मेरी आपने पिछली वीडियो देखा होगा कि मैं फाउंडेशन हमेशा मिक्सअप करके लगाती हूँ, तो मैं यूज़ करती हूँ रेवोल्यूशन की F4.5 इसकी फाउंडेशन, और जो है मेरे पास O2O का कलर वो है NC22। ये मैं दोनों को मिक्सअप करके लगाती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा वाइट है, ये थोड़ी सी ना येलो टोन में, ये तो मेरी स्किन पर जाती है लेकिन मुझे ज़्यादा वाइट फाउंडेशन इतनी पसंद नहीं, तो मैं थोड़ा सा बीच में ना येलो टच देने के लिए ये वाली थोड़ी सी मिक्सअप करती हूँ। तो उसके बाद आ गई फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद बारी आती है कंसीलर। कंसीलर तो मैं मस्त चीज़ समझती हूँ कि मतलब मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि डार्क सर्कल्स वगैरह हैं। ठीक हो गया, जिनको डार्क सर्कल्स नहीं उनको वैसे आज के जैसा चल रहा है सिचुएशंस वगैरह, वहाँ डार्क सर्कल तो आम सी बात हो गई है। तो अगेन इसके बाद ज़रूरत होती है कंसीलर की, आप कोई भी एक फाउंडेशन ले सकते हो, कोई भी एक कंसीलर ले सकते हो, ये मैंने जस्ट आपको बताने के लिए बता रही हूँ। टार्ट का मैं यूज़ करती हूँ 29, इसका मैं स्वाच करके भी दिखा देती हूँ क्योंकि फाउंडेशंस का मैंने स्वाच किया और कंसीलर्स का मैंने अभी स्वाच नहीं करके, ये मैंने प्राइमर लगाया इसलिए शाइन कर रहा है। ये प्राइमर बहुत अच्छा है लड़कियों, बहुत बेस्ट प्राइमर है, मेबीलाइन का ना मास्टर प्राइम, बहुत अच्छा प्राइम करता है, ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत बेस्ट चीज़ है। ठीक हो गया, इसके बाद जो मैं यूज़ करती हूँ रेवोल्यूशन का C3 रेवोल्यूशन का, ठीक हो गया, बहुत अच्छी कवरेज है इसकी, बहुत बहुत बेस्ट। टार्ट की भी बहुत अच्छी कवरेज है, टार्ट अगेन येलो टोन में आता है, ये थोड़ा सा पिंकिश टोन में आता है। ब्रशेस बेसिक्स, बेसिक जो 3 ब्रशेज हैं वही मैं यूज़ करती हूँ, इस तरह से ये वाले बेसिक्स हैं, सिर्फ वही मैं यूज़ करती हूँ। ये हैं 3 ब्रशेस, एक तो ये फाउंडेशन उसके लिए ब्लश ऑन के लिए, कंटूर के लिए एक ये मेरा कट वाला ब्रश होता है, और ब्लेंडिंग के लिए ये एक से दो मेरे पास सेम ऐसे ब्रश है, मैं यही यूज़ करती हूँ। और हाइलाइटर आपको पता है देसी तरीका,
हाथ से ही लगा रहे हैं। ये थ्री बेसिक आपके पास ब्रशेस हो तो मतलब आपका पूरी अच्छा। और एक हाँ, ये ब्लेंडर, ब्लेंडर बहुत ज़रूरी है। ब्लेंडर को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा वेट करके अच्छी तरह उसको फिर यूज़ करो, मतलब उसको निचोड़ के फिर यूज़ करो फाउंडेशन। फाउंडेशन देखना कितनी अच्छी बैठेगी आपकी। ठीक हो गया, वो आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, जो वो डिप करके फाउंडेशन को पानी में, तो वो यही हो जाता है। इसको जब आप डिप करोगे ना, इसके ऊपर फाउंडेशन लगाओगे, तो वो वही हिसाब हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो वही बन जाता है, मैं प्रोफेशनल, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से वही हो जाता है। ठीक हो गया, इसके अलावा जो मैं ब्लेंडर्स यूज़ करती हूँ, वो ये वाले यूज़ करती हूँ, रियल टेक्निक के ब्लेंडर्स हैं। ये 4 का पैक था, एक तो शहीद हो गया, मेरी बेटी को ने कर दिया। इसके अलावा सेकंड वन ये है, थर्ड वन जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और एक अभी न्यू पड़ा हुआ है। तो ये वाले ब्लेंडर्स मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी है, इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक हो गया, और प्रॉपर इस पे मेंशन है जो सारा कुछ है। ठीक है, ये 4 का पैक होता है, ये भी अगर कोई लेना चाहे तो मेरे पास आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया, इसके बाद बारी आती है कॉम्पैक्ट पाउडर की, जो मेरा सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है, एक तो ये वाला कॉम्पैक्ट, और इससे पहले जो मैं यूज़ करती थी, ये मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर है। मैं NC20 यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा डार्कर टोन में। इसमें लाइट शेड भी आपको मिल जाएगा, ये आप देख रहे हो हालत, ये मेरी अपनी है। ठीक हो गया, इससे लाइट भी आपको मेरे पास मिल जाएगा, आई थिंक 15 भी होता है, 20, लेकिन मैं 20 यूज़ करती हूँ। मेरे पे वो वाला भी चला जाएगा, ये 20 भी चला जाएगा। मैं थोड़ा सा ना हमेशा डार्क, थोड़ा सा ये पिंक टोन में है ना, तो ये मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा। वाइट फिर वो जब लगाती हूँ ना, तो फिर बहुत अजीब सा वाइट वाइट, आपको पता होगा कि वाइट वाइट टच देता है, तो वो मुझे फिर अच्छा लगता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा ना फाउंडेशन को भी थोड़ा सा डार्क करके लगाती हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ठीक हो गया, इसके बाद बारी कॉम्पैक्ट के बाद, और ये कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा है, ये वाला ले लो, या ग्रीन एलिजबेथ हेलेने का, जिसका मैंने रिव्यू भी अपने इसी चैनल पे दिया हुआ है। वो आप बैक पे जाओगे तो आपको, चैनल पे जाओगे मेन चैनल पे, तो आपको वहाँ पर एलिजबेथ हेलेने की कॉम्पैक्ट पाउडर की पूरी वीडियो मिल जाएगी। इसके भी शेड्स आपको मिल जाएंगे, इसी चैनल पे मैंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक हो गया, इसके बाद जो बारी आती है, जो कॉम्पैक्ट के बाद मैं यूज़ करती हूँ, आई शेड मैं बिल्कुल लास्ट में यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं करती हूँ कंटोर, इसके बाद कंटोर की मैं बात कर रही थी। कंटोर के लिए मैं ये दोनों शेड यूज़ करती हूँ, और ये है मिस रोज़ का 02, और इसके हालत से आपको पता चल गया होगा कि ये मेरा खुद का यूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया, इसके बाद जो मेरे पास चीज़ आती है ब्लशन, कंटूर के बाद ब्लशन मैं लगाती हूँ। ब्लशन में मेरा ये है ऑर्गेज़म, ठीक है, ये भी मेरे पास स्टॉक आया था बहुत पहले, तब मैंने अपने लिए रखा था, और अब ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये मेरा अपना है, तो यही मुझे कलर पसंद आई, जैसे आपको पता चल। इसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की, ठीक हो गया, हाइलाइटर मेरे पास अवेलेबल है, अगेन रेवोल्यूशन का, काफ़ी सारी आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी रेवोल्यूशन की, ये मेरी सारी न्यू प्रोडक्ट्स हैं, और पिछले दिनों मैंने इनका रिव्यू भी दिया था है, और ये है रेवोल्यूशन का लाइट सा ना, गोल्ड सा, इसका मैं आपको टेक्स्चर भी दिखा देती हूँ, बहुत मज़े का ये हाईलाइट करता है ये इस तरह से। ठीक हो गया, इस तरह से हाइलाइटर। इसके अलावा हाइलाइटर पे मेरे पास ना शीट लाइम के भी हैं, वो भी चूज़ करना चाहो तो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया, इसके बाद बारी आती है आई शेड्स की तरफ जाऊँ, तो आई शेड्स में अगेन मैं रेवोल्यूशन की ही यूज़ करती हूँ, न्यू नेचुरल की है मेरे पास अब पैलेट न्यू। ये अगर आप देखो ना, इसमें आपको बेस कलर भी मिल रहा है, ये इसका बेस कलर, आई बेस कलर, जो अगेन आपको अलग से लेना नहीं पड़ता, इसमें आपको बेस कलर भी, अगर आपने देखी होगी हुदा ब्यूटी की पैलेट, सेम वैसी ही इसमें ये बेस कलर भी आपको और ये कलर्स भी आपको मिल रही है। इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ये इसके कलर स्टिप्स है इसके, यहाँ मैं स्वाच करती हूँ। ठीक हो गया, ये इस तरह से इसके हैं, बहुत अच्छे। ठीक हो गया, ये पैलेट आपको इसमें एक मिल जाएगी, मतलब अगर आप मिनी पैकेज बोलो तो ये बहुत अच्छा छोटा सा पैकेज है,
घर में रख के आप इजीली मेकअप वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक हो गया, इसके बाद बारी आती है लास्ट सेकंड लास्ट प्रोडक्ट जो है मेरे पास आपको मिलेगी एसेंस का मस्कारा जो मैं खुद ही यूज़ करती हूँ। इस किट में एक ये भी जाएगा लाजमी, और इसके बाद एक आप कोई भी लिपस्टिक ले सकते हो, ये मेरी फेवरेट कलर की लिपस्टिक है O2O की। ठीक हो गया, ये सारी प्रोडक्ट्स जो है ना मेन मैंने आपको सारी बता दी, जो एक ब्राइडल किट भी बोल सकते हो, और अगर आप फिटिंग के बाद यूज़ करना चाहो तो बहुत बेस्ट चीज़ है। तो इसके अलावा कंसीलर आप एक भी कर सकते हो, बाकी तो सारी एक ही चीज़ें। हाँ, अगर ब्लश भी एक करना चाहो तो ब्लश भी मतलब इसमें से भी यूज़ कर सकते हो। पैलेट अगर कोई आप ऐसी लो ना जिसमें ब्लश भी हो, हाइलाइटर भी हो, हाँ ऐसी पैलेट्स वगैरह आजकल काफ़ी चल रही है। मोकलर की मैंने वीडियो भी अपलोड की है, बहुत ज़्यादा आई हैं, तो थोड़ा सा वो पैकेज आपका और कम हो जाता है, मतलब और आपको रीजनेबल प्राइजेस में पड़ सकती है। एक पैलेट ले लो, कंसीलर ले लो, दो तीन ब्रश ले लो, प्राइमर और फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर और हाइलाइटर, और उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक हो गया, ये मिनी सा पैकेज था जो मैंने आपको आज रिव्यू दिया, ब्राइडल किट बोल सकते हो। इसके अलावा बिगनर्स के लिए आप बोल सकते हो, बिगनर्स के लिए ये मेकअप वगैरह जो मतलब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मेकअप की तरफ आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।